अस्सलाम वालेकुम। आज से पहले आपने बहुत से तरह की चाट खाई होगी, लेकिन जो आज मैं आपके साथ चाट शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट तरह की है। उसमें जो सिंपल इन्ग्रीडियंट्स आने और हमारी झटपट से चाट तैयार हो जाएगी। एक आलू लेकर उसे बॉयल किया है और छोटे 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 टुकड़ों में मैंने उसे काट लिया है। एक प्याली चने के लिए है और चनों को बॉयल करते हुए उसमें मैंने नमक ऐड किया था। अब इसमें जो वेजिटेबल जाएंगी उसमें 2 टेबलस्पून भरकर बंद गोभी है और उसको बारीक चॉप मैंने कर लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, खीरा और टमाटर है, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। खीरा और प्याज थोड़ा डाल दूंगी और थोड़ा गार्निशिंग के लिए छोड़ दूंगी। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे जिनमें 1 टेबलस्पून भरकर चाट मसाला। अब इसमें जो स्पाइसेस हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2 ग्रीन चिली ली हैं जिनको मैंने बारीक क्रश कर लिया है, एक ऐड कर दूंगी और एक को हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इसका वो है कुरकुरे। जी हाँ, हम कुरकुरे चाट बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 2 फ्लेवर लिए हैं, एक ग्रीन फ्लेवर है और एक हमारा रेड फ्लेवर है। इसको हमने बारीक सा थोड़ा सा क्रश कर लेना है ताकि जो इसमें बड़े साइज के जो हैं वो छोटे छोटे हो जाएं। इसमें हम 6 से 7 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे कुरकुरों का। ये इसमें हमने ऐड कर दिया। ये देखें, जिसमें बड़े बड़े होते हैं वो बड़े बड़े नहीं, छोटे हैं। आपने इसको पाउडर नहीं बनाना, बस जो बड़े साइज के हैं उसको हमें छोटा करना है। अब है रेड कुरकुरा, इसको हम जरा पटाई कर लें। इसकी धमाकेदार इसकी एंट्री आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे कुरकुरे, उसको भी मैंने अच्छी तरह छोटे छोटे साइज का कर लिया है। ये भी 6 से 7 टेबलस्पून है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप ये पूरा पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें 2 बड़े साइज के लेमन जाएंगे, उसको आपने स्क्वीज करना है इसमें। लेकिन मेरे पास यहाँ पर आइस क्यूब में इसको फ्रीज किया हुआ था मैंने, इसलिए मैंने इसकी इसको मैंने जूस डाला है इसका, तो आप लेमन जूस डालिएगा। अब हमारी चाट तैयार हो चुकी है, जस्ट हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। इसको अपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि चाट मसाला और जो लेमन है बहुत अच्छी तरह ऊपर नीचे हो जाए। लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार चना कुरकुरे चाट बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।